हेलो गाइस, वेलकम टू यूथ कंपटीशन टाइम। आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। आप लोगों का बहुत बार ये कहना था, सर कुछ हमको इस तरीके का वीडियो लाइए जिसमें हमको पढ़ाई के लिए एक मोटिवेशन मिल सके। तो आज आपको ऐसे ही शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिससे आप बात करोगे, उनका पूरा इंटरव्यू देखोगे तो आप अपने आप को मोटिवेट फील करोगे, क्योंकि ये सर ने अभी तक आपके चाहे RRB JEE हो, SSC JEE हो, UP SSSCE हो या MPPSCE हो या आपका जो गेट एग्जाम है उसको उन्होंने पूरी तरीके से क्वालिफाई किया है और उनको इस पूरे एग्जाम का पूरे तरीके से हर एक कंप्लीट कोर्स का पूरा नॉलेज है। उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने सर सिद्धार्थ जी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। वेलकम टू सर YCT सर। तो सबसे पहले मैं सिद्धार्थ जी का जो अभी करंट डेजिग्नेशन है और कहाँ पे वो अभी इस समय है वो मैं बता देता हूँ। सिद्धार्थ जैन सर ने MPPSCE को क्लियर किया है और उसके साथ बहुत सारे एग्जाम है, उन्होंने जो ज्वाइनिंग की है वो MPPSCE को किया है, वहाँ पे अभी ये PWD डिपार्टमेंट पे हैं। बाकी सर आपका सर छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं चाहूँगा कि आप पूरी तरीके से हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं अपना इंट्रोडक्शन दे पाएं। तो बेसिकली मेरा नाम सिद्धार्थ जैन है और मैं प्रेजेंटली अभी PWD डिपार्टमेंट MP में एज ए SDO पे पदस्थ हूँ और ये मेरी तीसरी जॉब है। इससे पहले मैंने कई एग्ज़ाम भी क्रैक किए हैं, कुछ पार्शियली क्रैक किए हैं, कुछ फुल्ली क्रैक किए हैं। तो मैं 2016 में पास आउट किया हूँ अपनी BE, फिर उसके बाद मैंने MTech किया और MTech के ही टाइम से मैं मतलब प्रिपरेशन के साथ टीचिंग में आ गया। करीब करीब 6 से 7 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी है और ड्यूरिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन के ही दौरान मैंने कई जो ऐसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम हैं उनको क्रैक भी किया है और उनके रिगार्डिंग मैंने ये भी एनालिसिस किए कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं। देन इसके बाद फिर मैं UPPSC भी क्रैक किया हूँ, RRB JEE किया क्रैक किया हूँ, इसके अलावा SSC JEE में BRO भी मिला था लेकिन ज्वाइन नहीं किया था मैं, और इसके अलावा मेरा ये MPPSC जिसमें मैंने फाइनली ज्वाइन किया है क्योंकि ये मेरे होम टाउन भी, एक्चुअली मैं MP से बिलोंग करता हूँ। इस वजह से सर MPPSCE को ज़्यादा प्रेफरेंस। हाँ सर, एक्चुअली क्या होता है जब हम लोग कॉलेज टाइम में होते हैं, जब हमारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चलता रहता है तो सर उस समय तो कुछ पता रहता नहीं। हाँ। सब इंजॉयमेंट में उस समय ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हमें लगता है सर थर्ड ईयर से लोग ज़्यादा सीरियस थोड़ा होना शुरू करते हैं। तो आपका वो जो कॉलेज वाला स्टेज है उसको आपने 4 साल वो किस तरीके से आपने देखो, मैं ये चीज़ कॉलेज की जो लाइफ है मैं उसको हनीमून पीरियड बोलता हूँ, सभी बच्चों को क्लास में भी बोलता हूँ। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कभी पढ़ने के नहीं होती है, ये हमेशा रोमांस की स्टेज होती है, इसको रोमांस में यूज करना भी चाहिए और जो बच्चे नहीं करते हैं वो अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, ये मेरा मानना भी है। तो सबकी लव लाइफ भी होनी चाहिए, मेरी भी रही है लेकिन वो लव लाइफ आपकी जो है वो आपकी प्रिपरेशन के साथ मर्ज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस लगे हुए हैं उसी चीज में, मेरा ये मानना है कि एक चीज को अच्छे से करो, या तो मोहब्बत की है तो तरीके से करो और पढ़ाई कर रहे हो तो उसको तरीके से करो, ऐसा नहीं कि दोनों चीज़ें एक साथ चलें। पहली साल दूसरी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एक जो है वो थोड़ा सा इन्जॉयमेंट वाली कॉलेज लाइफ इन्जॉय भी करना चाहिए क्योंकि वो मौका मिलता नहीं है फिर आगे चल के। आपको सीरियस होना चाहिए 6th सेम से, जो आपका थर्ड ईयर का जो सेकेंड हाफ होता है उसमें। 6th सेमेस्टर से मेरे ख्याल से बेस्ट टाइम होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जब आप माइंड बनाते हैं क्योंकि वो आपका करियर का फेज स्टार्ट होता है। दूसरी चीज़, आज के ज़माने में कई बच्चों को देखता हूँ कि वो कैंपस में नहीं बैठते, तो क्यों नहीं बैठते? अगर आपका कॉलेज अच्छा है बैठिए, आप कैंपस प्लेसमेंट में भी बैठिए, उससे आपको नॉलेज ही मिलेगा। मैं आगे चल के अभी प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन भी बताऊँगा कि क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो फाइनल ईयर जब आपका स्टार्ट होता है तब आप प्रॉपर तरीके से जो है तैयारी में घुस जाना चाहिए। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जो थर्ड ईयर में रहते हैं वो पहले गेट की स्टार्ट करें तैयारी और गेट को फाइनल ईयर के साथ दें, निकल जाए वेल एंड गुड, MTech ज्वाइन कर लो या PSU मिल जाए PSU ज्वाइन कर लो। 1 साल और देना है गेट के लिए, अगर उसके बाद भी अगर आपकी अच्छी रैंक नहीं आ रही है देन आपको गेट में नहीं जाना है क्योंकि आपका वो लेवल नहीं है उसको टच करने का। गेट इज ऑल अबाउट द एप्टीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड जो है वो 1 साल में डेवलप नहीं होता, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। जन्म जिंदगी जब आपका बर्थ हुआ तब से आपका वो एप्टीट्यूड जो है वो डेवलप्ड हो रहा है, वो 1 दिन में नहीं आएगा, 1 महीने में नहीं आएगा।
एक साल मैं बोलता हूँ कि ड्रॉप लीजिए, उसके अलावा गेट को करने का मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि कोई मतलब नहीं। अगर आपको एमटेक करना है देन आप जा सकते हो एमटेक। तो सर थर्ड ईयर जब आप बता रहे हो सिक्स सेम में स्टार्ट करना थी, तो बिल्कुल आपका सर जैसे फोर्थ ईयर में आए आप, तो हाँ। सबसे पहले कौन से एग्जाम को आपने टारगेट देखिए किया था? मैं वही बोला कि मैंने जब फाइनल मतलब सिक्स सेम से स्टार्ट किया था, तो मेरा पहला जो फोकस था वो गेट ही था। अच्छा, तो 16 में जो है पूरा गेट पे फोकस रहा। इवन मैंने 17 जो नेक्स्ट ईयर था उसमें भी मैंने फोकस रखा, जी तो उसमें फिर मेरा गेट निकला लेकिन अच्छी रैंक नहीं आई, तो फिर मैंने एमटेक ज्वाइन कर लिया था। अच्छा तो 2 साल मेरा एमटेक चला, और एमटेक के ही ड्यूरेशन में मैंने अपनी जो है वो फिर गेट के लिए तो नहीं की मैंने तैयारी, इंजीनियरिंग सर्विसेज और एससी और एई के लिए जो है वो मैंने प्रिपेयर की। अनफॉर्चुनेटली मेरा ईएससी कभी नहीं हुआ है, जी तो जी भी मैं फ्रैंक में आपको बताऊं मैंने ईएससी कभी भी मैंने मेंस के ऊपर कभी नहीं गया हूं। मैं मेंस में ही एक बार मैंने मतलब 5 अटेम्प्ट दिए हैं जिसमें मैं एक बार मेंस के लिए क्वालिफाइड हुआ था, इंटरव्यू तक मैं कभी नहीं पहुंचा हूं। तो सर ये जैसे ईएससी का आपने एग्जाम दिया जी होगा, उसके बाद सर नहीं हुआ, तो किस स्टेज पे लगा आपको कि मतलब अब हमको जो हमारे स्टेट के जो हाँ एग्जाम होते हैं, या सेंट्रल की जो एसएससी जेई है, आरआरबी जेई है, या अदर स्टेट के भी जो जेईएन के एग्जाम है जी वो उसमें इंटर करते हैं, या एई के एग्जाम में इंटर करते हैं, जी ये आपको मतलब ये बहुत जानना जरूरी है, हाँ क्योंकि स्टूडेंट अभी कहाँ लग करता है सर, वो प्रॉपर गेट की भी तैयारी बिल्कुल करते हैं और एसएससी जेई और एई में लगे रहते हैं, जो कि सर डिफरेंट है, बिल्कुल दोनों का तरीका ही डिफरेंट है। तो आपने सर कब ये सोच लिया कि अब हमको एई की तरफ जाना है या जेई की तरफ जाना है? देखिए आप अपना हमेशा जो है ना बेंचमार्क सेट करो। क्या है ना कि तैयारी चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है, कब तक चल रही है, एक बेंचमार्क जो रहता है। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने 2016 में जब गेट की तैयारी की तो गेट और ईएससी की एक साथ करते, नॉर्मली अपन ऐसे ही चलता है, हर कॉलेज वाला स्टूडेंट यही करता है। तो दो मैंने 3 साल इसको प्रॉपरली दिए, 16 17 18 और इवन मतलब आप बोल सकते हो हाफ पोर्शन ऑफ 19। इन 3 साढ़े 3 साल में मैंने प्रॉपरली ईएससी के लिए डेडिकेटली तैयारी की, नहीं हुआ जो कि। फिर लास्ट जो मेरा अटेम्प्ट था 2020 में, जो रेलवे की विड्रॉ हुई वैकेंसी, जब रेलवे की विड्रॉ हुई वैकेंसी तब फिर मेरा ईएससी से टोटली मन हट गया था। क्योंकि उसमें अगर एक पेका डिपार्टमेंट में जाओगे, जैसे मेरे साथ एक कलीग है जो ऑलरेडी ईएससी निकाला है बीआरओ में है, जी लेकिन वो स्टेट पीडब्ल्यूडी में आया, तो अच्छा मेरा ये मानना है कि बीआरओ से बेस्ट है आपका स्टेट पीडब्ल्यूडी। अगर मैं अगर आपको ऑर्डर बताऊं तो सीपीडब्ल्यूडी अगर आपको आईएएस से मिलता है वेल एंड गुड है, एमईएस भी मिल रहा है वेल एंड गुड है, इसके अलावा अगर आपको स्टेट पीडब्ल्यूडी मिल रहा है तो वो सारे डिपार्टमेंट से बेस्ट है फिर। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था हाँ सर कि आप भी जैसे आपने यूपीपीएससी एई भी जी निकाला है, एमपीपीएससी एई भी निकाला है, तो आपके फ्रेंड भी आप बता रहे थे कि बहुत जी सारे यूपीपीएससी एई में हैं, बिल्कुल तो एक मैं मतलब जहां पे आप जॉब अभी कर रहे हो हाँ और आपकी फर्स्ट जॉब सर जो आपका रिजल्ट आया था, वो मैं वो दिन जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी सर आप बता रहे हैं कि 4 साल आपने तैयारी की बिल्कुल ईएससी के लिए तैयारी की, तो वो बड़ा डिप्रेशन मोड हो जाता है हाँ एक बार के लिए, फिर ये होता है यार सब छोड़ देते हैं, बिल्कुल तो वो आपको कौन सी मोटिवेशन ऐसी बनाए रखी आपने कि जो आपने आके यहाँ पे आपने 8th रैंक मारी है जी एमपीपीएससी जी ए में, वो क्या मोटिवेशन था वो जानना बहुत जरूरी है हमारे स्टूडेंट देखिए के लिए। जब आप तैयारी करते हैं और जब आपका सिलेक्शन नहीं होता, 1 साल तो आपको चलो ठीक है समझ में आता कि चलो ये नहीं हुआ। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब आप 27 एज को क्रॉस कर जाते हो। तो मैंने उस फेज में तैयारी की, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, तो 27 के बाद हर एक दिन काटना आपका मुश्किल होता है। जब मैं 2022 या 2023 की मैं बात करूँ, जब मेरा प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे हुआ ये कि मैंने दोस्ती जो है अपने लोगों से कटना शुरू कर दिया था। क्योंकि हर कोई बोलता था बड़े साहब बनेंगे, तैयारी चल रही है, तो ये सारी चीजें आपको सुननी पड़ेंगी, और जो इनको सुन के डिप्रेशन में जा रहा है तो फिर नहीं हो पाएगा, एग्जाम क्लियर नहीं हो और पाएगा। रिश्तेदारों का ताना तो हाँ हमारे यहाँ जेनुअन है, वो शर्मा बेटे जी के बेटे वाला ये वाला वो वो चलता चलता ही है। है। जी, तो अगर आप इन चीजों छोटी छोटी चीजों से अगर आप परेशान हो रहे हैं तो फिर तैयारी मत कीजिए, फिर चुपचाप से उठिए प्राइवेट में जाइए, बढ़िया प्राइवेट में पैसा भी बहुत है, अच्छे बढ़िया पैसे से कमाइए, वहां पे दिक्कत भी नहीं है। बट अगर आप आज जैसे मैं जब डिपार्टमेंट गया हूं, तो आज जो डिपार्टमेंट के सीनियर्स हैं वो आज ये बोलते कि आप बहुत लकी हैं जो आप यहाँ पे आ गए हैं आज के समय में, अदरवाइज गवर्नमेंट जॉब तो मिल नहीं रही है आजकल। हाँ तो अगर आप एक यूं बोले कि मैराथन में दौड़ सकते हैं, तानों को सुन सकते हैं, देन आप कंटिन्यू कीजिए अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी या प्रिपरेशन। और अगर आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप इस रन में इस रेस में आप दौड़ें, क्योंकि आपको हर फेलियर पे आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत सारे होंगे, और वही सारे जो डिमोटिवेटर्स हैं वो आपकी जब सक्सेस होगी ना तो वो आपसे रिश्ते जोड़ने के लिए खड़े होंगे।
सर एक क्वेश्चन में पर्सनल पूछा जाऊंगा कि जिस दिन सर आप डिप्रेशन की बातें बता रहे हैं, लेकिन जब सर आपके एग्जाम चार साल नहीं निकले, अचानक से सर आप बताया कि एसएससी जेई आपका पहला एग्जाम था जो बीआरओ आपको मिला, तो आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था सर? देखिए मेरी मदर के तो आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि देखिए चार साल से मैं किसी एग्जाम में नहीं निकला था, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे ऊपर, और इसीलिए मैं फिर टीचिंग में एक अपना जो है साइड लाइन में, अगर मैं सोचू कि अर्निंग के लिए, तो पहले मैंने ट्यूशन पढ़ाया और उसके बाद फिर मैं टीचिंग में आया। मैं कई बच्चों को बोलना चाहूंगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेविएट हूँ, जिन बच्चों के ऊपर अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक साल डेडिकेटली तैयारी करें, दो साल तैयारी करें, लेकिन फिर तैयारी प्योरली ना करें, साथ के साथ कोई साइड में काम करना शुरू करें, लाइक कंटेंट क्रिएटर वाला काम करना शुरू करें, ट्यूशन पढ़ाना शुरू करें, मतलब आपकी अर्निंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई से दूर हो गए, अगर आपको तैयारी करनी है तो। मैंने ये प्रोसेस अपनाई है, मैंने ये चीज खुद से किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियली आप वीक हैं, तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज को निभाना है। जो सर आपने बात की कि माँ के आपके आंख में आंसू, हाँ। क्योंकि वो जो चार साल का स्ट्रगल होता है वो सिर्फ स्टूडेंट का नहीं होता है, वो पेरेंट्स का भी होता है, क्योंकि सब, आपका सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन आपके जो पेरेंट्स है ना वो आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। तो वो आप जो लाजमी सी बात है कि वो मम्मी की जो आप बता रहे हो आंख में आंसू आ गया, वो एक इमोशनल जब आप सिलेक्शन लेते हो ना तो वो दिखता भी। उसके बाद सर आपने बीआरओ छोड़ा, उसके बाद सर आपका फिर वहां पे 2019 में जो आरआरबी की वैकेंसी आई उसको आपने क्लियर की। तो सर एक वो भी लगता है क्योंकि आपने जो एमपीपीएससी यही का एग्जाम निकाला वो बाद में निकाला आपने, तो ये थोड़ा सा गट्स वाली बात होती है कि हमको ये जॉब छोड़ के आप तैयारी करनी है एक लिए, तो वो सर प्रोसेस बताइए हमको कि उसके लिए भी जैसे मतलब लड़के, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हमारे कि एसएससी जेई में जैसे हो रहा है लेकिन एई का एग्जाम आ गया सामने, तो वो क्या जॉब छोड़ के इसकी तैयारी करें कि जॉब में रहते हुए इसकी तैयारी करें, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं एमपीपीएससी एई की ले रहा हूँ। चलिए एमपीपीएससी एई का जो एग्जाम था वो 3 जुलाई 2022 को था, वो मेरा एक शेड्यूल लगा था टीचिंग का, जिसमें मेरे को 7 से 8 घंटे पढ़ाना रहता था डेली। अच्छा, डेली 7 से 8 घंटे, मतलब मेरी सुबह अगर आप मान के चलो 12 बजे क्लास शुरू हो रही है तो मैं 6, 6:30, 6:30 तक कंटिन्यू पढ़ाता था, बीच में 15 मिनट का ब्रेक, आप लोग भी जानते हैं कि टेक्निकल की क्लास में ब्रेक कम होते हैं। तो ये पूरा आपका फरवरी से स्टार्ट हुआ था, तो फरवरी मैंने पढ़ाया पूरा, आपका मार्च मैंने पढ़ाया, इवन अप्रैल भी मैंने कंप्लीट पढ़ाया। तो मेरा ये था कि 6 घंटे के बाद भी मैं इस मोटिवेशन से पढ़ता था कि मुझे अब निकालना ही है, मुझे उन लोगों को जवाब देना है जिन लोगों ने मेरी मम्मी के लिए ये बोला कि आपका लड़का तो बड़ा साहब बनेगा। तो जब आपके दिल में एक टीज रहेगी ना कि नहीं मुझे करना ही है, तो फिर आप चाहे 6 घंटे जॉब करें और चाहे 10 घंटे जॉब करें, फर्क नहीं पड़ता, आप अपने लिए टाइम निकाल लेंगे पढ़ाई। सर अब आपने टीचिंग भी आपने बताया कि टीचिंग भी आपने कराया, तो मैं अब आपके मतलब स्टूडेंट के फेवर में क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर अगर आपने जैसे गेट की तैयारी की, आपने ईएससी की तैयारी की, तो ईएससी की तैयारी का फायदा क्या आपको एसएससी जेई या एई के एग्जामों के लिए मिल पाएगा? देखिए एसएससी जेई और एई में डेफिनेटली पूरा फायदा मिलता है अगर आपने ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगाए। अब रही बात, क्या होता है कि ईएससी में कई क्वेश्चन के लेवल बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तो वो आपसे पूछेंगे भी नहीं एसएससी जेई और एई में। जो इजी टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन है वो डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं एसएससी जेई में भी और आपके स्टेट एई में भी। ये मैं नहीं, आप किसी भी सिविल इंजीनियरिंग से पूछोगे वो यही आंसर देगा। जो इजी टाइप के क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो आपसे डेफिनेटली रिपीट करेगा, क्योंकि देखिए एग्जामिनर के पास क्वेश्चन बैंक नहीं अवेलेबल है। वो उठाता कहाँ से, कोई इस स्टेट का उठा लिया, कोई ईएससी का उठा लिया, यूपीएससी का उठा लिया, यूपीपीएससी एमपी वाले कॉपी कर रहा है, एमपी वाला यूपी का कॉपी कर रहा है, यही चलता मार्केट में। तो इसके लिए बहुत अच्छी एक किताब भी है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता भी हूँ, यूथ कॉम्पिटिशन की एक चलती है एक बुक, प्रीवियस ईयर ही रहता है सर, उसमें हर एक स्टेट का प्रीवियस ईयर रहता है उसमें, तो वो अगर आप अच्छे से लगा लो तो मुझे नहीं लगता कि आपको गुप्ता एंड गुप्ता और जो भी आपकी ये जो स्टैंडर्ड किताब चलती है क्वेश्चन बैंक वाली, उसकी जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। एक बार प्रॉपरली उसको ढंग से लगा लो, आपका लगभग लगभग सारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो सर अभी फिलहाल एसएससी जेई प्री निकल चुका है सिविल में, आप जैसा सिविल में आपने पढ़ाया भी है, तो आप सिविल इंजीनियरिंग का 2 साल से सर पैटर्न भी चेंज हो चुका है। अभी मेंस क्या होता था, पूरा रिटर्न होता था, लेकिन आपकी बार उन्होंने ऑब्जेक्टिव अप्रोच अपनाई है। तो सर जो फर्स्ट बार पेपर हुआ था एसएससी जेई सिविल का, वो बहुत सारे रिव्यू भी हम लोगों ने लिया था, तो उसमें ये पता चला था कि जो हमारा प्री का लेवल था सेम लेवल वही दे दिए थे मेंस में भी। तो अभी जो सर एसएससी जेई मेंस होने वाला है, उसके लिए आप स्टूडेंट को क्या गाइड करना चाहेंगे? मैं इसका बहुत बढ़िया आंसर दे रहा हूँ आपको।
2019 में जब फर्स्ट टाइम क्यूकैप सिस्टम आया था मेंस में, पहले क्या होता था 2019 के पहले पेपर मिलता था और कॉपी मिलती थी लिखने के लिए। 19 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था कि क्वेश्चन उसी में लिखा रहेगा और उसके नीचे हाँ स्पेस मिलेगी, हाँ हाँ ये हुआ। और ये 3 साल चला, मैं तीनों बार दिया हूँ ये। अब देखिए, जब भी कभी कोई नया पैटर्न इंट्रोड्यूस होता है उस ईयर पेपर बहुत ईजी आता है। ये आप चाहे ESC 2017 उठा के देख लो, पहली बार जब 2016 में हाँ चेंज हुआ था चेंज हुआ था, जब पैटर्न। ट्रांजिशन हुआ था, उसके बाद जो आपका ये SSC JEE है, और अब जो ऑब्जेक्टिव वाला आपने जो बात किया उसमें भी पेपर लेवल सेम है। लेकिन ध्यान रखिए, हमेशा जो नेक्स्ट ईयर रहता है उसमें पेपर टफ आता है। यानी मतलब अब की बार जो हाँ, पेपर का लेवल रहेगा लेवल जो है वो आप ये मत मानिए कि वो इजी आएगा, जो पहले जैसे जो अभी इससे बिल्कुल पहले जो पेपर हाँ हुआ है उससे लेवल थोड़ा सा अच्छा ही अच्छा आएगा। ही आएगा। और टू बी मोर प्रसाइज, अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमेशा नए पेपर के बाद जो सेकेंड पेपर होता है वो हमेशा टफ आया। चाहे ESC 2018 देख लो, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था। इसके बाद चाहे आपका SSC JEE का जो 2020 वाला है वो देख लीजिए, और चाहे आप जो आगे वाला जो आएगा तो आपको उसमें भी लगभग लगभग मुझे अंदर से फील आता है कि इस बार जो पेपर है वो पिछले बार जैसा नहीं रहेगा। थोड़ा सा आपको लेवल एनहेंस करना पड़ेगा अपनी CBT 2 के लिए, SSC के लिए, अगर आपको प्रॉपर CPWD ही लेना है। क्योंकि जी देखो, हर बच्चे की एक इच्छा होती है CPWD, और नो डाउट वो बहुत बेस्ट डिपार्टमेंट है बेस्ट डिपार्टमेंट स्टेट AE में। आपका PWD, आप जब जाएंगे PWD में किसी भी स्टेट के, तो आपकी जो एक रेपो रहेगी ना बाकी के विभागों में वो अलग ही दिख रहे हैं, अलग ही समझ में आती है, सेम टू सेम CPWD के साथ। तो हमेशा फोकस उसी का रखो जो आपका क्रीम डिपार्टमेंट है, टॉप का डिपार्टमेंट लेना है। और अगर आप SSC के थ्रू CPWD लेना चाहते हैं तो आपके लिए कोई इफ एंड बट नहीं है कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, मुझे ये करना वो करना, ये सारे कुछ भी नहीं। सब्जेक्ट आपको सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ने इक्वली और उस बेटे लेवल के। तो सर अभी मैं आपसे आपके डिपार्टमेंट की बात करना जी जी चाहूंगा कि आप बिल्कुल अपने जॉब को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, और आपको अभी कितने दिन हो गए सर जॉब करते हुए आपके जी। देखिए, डिपार्टमेंट में। PWD में मेरा ये अभी 8वां 9वां महीना है। जी तो इसमें जैसे कि बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉर्थ करके किताब आती है, ऑरेंज बुक बोलते हैं। अब जैसे मॉर्थ का एक सेक्शन है 300, जिसमें आपका एम्बैकमेंट से रिलेटेड चीजें रहती है। आप सरप्राइज होंगे कि वो आपसे SSC JEE में पूछा गया है, अच्छा उसका टू द बिल्कुल डायरेक्ट वो टेबल जो है 300, टेबल नंबर 2, सेक्शन 300, टेबल नंबर 2 आप देखेंगे एम्बैकमेंट की, उसमें डेंसिटी दी हुई है यूनिट वेट वाली, वो डायरेक्ट आपसे कहीं ना कहीं SSC JEE 1 में पूछा गया है। तो ये भी होता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो किताब पढ़िए आप, लेकिन हाँ, जब आप पढ़ के जाएंगे और आपको पता रहेगा तो वो चीज़ आपकी फील्ड में काम में आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाईवे में आप लोग हाईवे मटेरियल्स पढ़ते हैं, उसमें आपकी रैपिड क्यूरिंग, मीडियम क्यूरिंग और स्लो क्यूरिंग करके एक कंपाउंड होते हैं जो बिटुमिनस के होते हैं। तो ये डायरेक्टली आपके लिए फील्ड पे आएंगे भाई, बिटुमिन तो बिटुमिन है। आप जो क्रॉस सेक्शन पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन में कि फ्लेक्सिबल पेमेंट की ये लेयर है वो लेयर है उसकी इतनी होगी, तो सेम यहाँ पे है। इसमें भी आपकी CRM है, वहाँ पे आप लोग उसको सब बेस बोलते हो, यहाँ पे CRM आ जाता है। टॉप की लेयर को आप सरफेस बोलते हो, वहाँ पे सील कोट आ जाता है या OGPC आ जाता है। वो डिपेंड करता है किस टाइप की आपकी रोड है, PMGSY की अलग होती है, RRDA की अलग होती है, आपकी PWD डिपार्टमेंट की अलग होती है। तो ये आपके लिए सॉइल, अगर आप PWD में जा रहे हैं तो आपका सॉइल बहुत काम में आएगा, सॉइल मैकेनिक्स, हाईवे इंजीनियरिंग बहुत काम में आएगी, और BMC आपकी काम में आएगी। मतलब आपका जो थ्योरी है वो आपका टू द पॉइंट प्रैक्टिकल में यूज होगा। सर और नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अभी जो अपना मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है RRBJEE, तो जो SSC JEE जैसे प्री जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और RRBJEE भी फॉर्म फिलअप करा लिया है सर, उसका भी एग्जाम देखिए अब कब अनाउंस होता है, लेकिन आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगा सर RRBJEE के लिए जो स्टूडेंट है उनके लिए, क्या SSC JEE जो उन्होंने अभी तक पढ़ा हुआ है या जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो क्या RRBJEE की CBT 2 में क्या फायदा उसका रहने देखो वाला? सिंपल सी बात है ना सर, CBT 2 RRBJEE का कोई ऐसा तो नहीं है कि जो मतलब नॉन टेक्निकल होना है, उसमें भी टेक्निकल ही आना है, और SSC JEE का भी टेक्निकल ही आना है, और दोनों ऑब्जेक्टिव है। तो मोर और लेस दोनों का सेकेंड पेपर जो रहेगा CBT 2 वो ऑलमोस्ट लगभग लगभग सेम रहेगा। और एक चीज हमेशा याद रखो, अगर आप टेक्निकल को 1 महीने से ज्यादा छोड़ दिए हो तो आप भूल जाओगे सब्जेक्ट, तो आपको टेक्निकल तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो CBT 1 में आपका नॉन, इसको ऐसे कर लीजिए, अगर आप एक दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे, अभी जब तक आपका SSC JEE का जो आपका पेपर की डेट अनाउंसमेंट नहीं हो रही तब तक आप CBT 1 के लिए ज्यादा टाइम दे दीजिए RRB के लिए, और टेक्निकल का आप 1-1.5 घंटे कर लीजिए। जैसे 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 1.5 घंटे आप टेक्निकल दे दो और बाकी का 2.5 घंटे आप आप इसमें दे दो, CBT 1 के लिए लेकिन दे जब रहे हैं। डेट अनाउंस हो जाए तो उसको 50-50% कर लीजिए। क्योंकि देखिए,
पॉइंट मैं बोलूंगा, आप 6 घंटे से ज्यादा टेक्निकल नहीं पढ़ पाओगे। हाँ। मेरे से तो नहीं पढ़ा ज्यादा टेक्निकल 6 घंटे से ज्यादा, तो 2 घंटे में पढ़ता ही हूँ नॉन टेक, आज भी पढ़ता हूँ। वो आपके लिए फायदा भी है ना, आपका सीबीटी बन तैयार हो रहा है। सिंपल सी चीज है, अगर आप क्या है ना कि अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आपके लिए दोनों टाइम हफ्ते भर में आलू आलू की सब्जी खाना है, तो आप 2 दिन खाओगे 3 दिन खाओगे, उसके बाद फिर आपको इच्छा नहीं होगी। तो सेम टू सेम इसके साथ भी है, सब्जेक्ट के साथ। तो अगर आप थोड़े से 2-4 सब्जेक्ट लेके चलोगे, वैरायटी लेके चलोगे, तो आपको मजा भी आएगा। तो आप लोगों ने देखा सर की क्या स्ट्रेटजी रही आपके, सब सब ने हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो एमपीपीएससी एई हो, यूपीपीएससी एई हो, चाहे आपका एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, सारे सब्जेक्ट के बारे में उन्होंने पूरा डिटेल में बताया, और आपको उन्होंने गाइड भी किया किस तरीके से एग्जाम क्लियर कर सकते हो आप लोग, और कैसे जॉब में रहते हुए आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ये भी सर ने, आपने सर ने अभी आपको बताया कि 6 घंटे 7 घंटे शिफ्ट भी होती थी सर की टीचिंग की, तो सर सिविल में पढ़ाते भी, उन्होंने बताया भी है, वो अभी उनका 8 महीने 7 महीने हो गया सर आपको जॉब करते हुए, तो आपको ये पता ही है, आपको ये से सर का बताया ना उन्होंने, रिश्तेदारों के ताने सह करके तब भी उसको अंदर ही अंदर रख के अपने जो आपका टारगेट है उसको अचीव किया सर आपने, वो आपके लिए बहुत 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 शुक्रिया सर, YCT में आपने इतना समय दिया, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।